नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी मेरी मौजूदगी उत्कर्मित मध्य विद्यालय रत्नपुर में है और यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम चल रहा था इसी स्कूल प्रांगण में, और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक और कुछ ग्रामीण बच्चे के अभिभावकों की उपस्थिति में उनको एक सर्टिफिकेट, पेन और कुछ चीजों से पुरस्कृत किया जा रहा था। यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर यह जो बच्चे को आज सम्मानित किया जा रहा था, इस किस एग्जाम में वो क्वालिफाई किए या किस एग्जाम में वो अव्वल आए, जिसके उपरांत यह पुरस्कार या सम्मान या सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया जा रहा था। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है और बताएंगे कि ये सभी जो बच्चे हैं ये मेडल सर्टिफिकेट लेकर के आज आपके साथ खड़ा है, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सर आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक होने के नाते इन बच्चों को सम्मानित किया आज, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इसी तरह चाहेंगे कि हमारे और बच्चे हर एक साल जो है आश्रम भर के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, सभी अधिक से अधिक फॉर्म भरें, अधिक अधिक पास करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अभिभावकों का नाम रोशन करें, बस यही ईश्वर से कामना। किस स्तर का ये एग्जाम है, प्रखंड स्तरीय है या ये क्या है? ये प्रखंड स्तरीय नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जो है जो अष्टम में पढ़ रहे विद्यार्थी होते हैं जी वो फॉर्म भर सकते हैं और पास करने के बाद हर एक साल इंटर तक 12-12 हज़ार रुपया दिया जाएगा, यानी 48 हज़ार प्रत्येक बच्चों को मिलना है चार साल में। तो आपके स्कूल से सर टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई किए? हमारे स्कूल से 12 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो इस बच्चों को सर आगे भविष्य में आप सर क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि ये अभी से शुरुआत है, ये कोई भी सफलता जो मिलती है तो बच्चों का मनोबल आगे बढ़ता है और जब आगे अभी बढ़ना शुरू हो गया तो हमें उम्मीद है कि और आगे बढ़ेगा ये और आगे जाए, यही सोच हम कामना करेंगे। यही पे है, देख लें कि ये सभी बच्चे जो कि राज्य स्तरीय अष्टम वर्ग मेधावी छात्र स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 में ये सभी बच्चे और बच्चियां क्वालिफाई किए हैं और इसमें क्वालिफाई करने के उपरांत जैसा कि इस स्कूल के एचएम महोदय के द्वारा बताया गया कि 4 वर्षों तक 12-12 हज़ार रुपया छात्रवृत्ति के रूप में इस बच्चे को मिलता रहेगा इंटरमीडिएट तक। तो बाबा, आखिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जब फॉर्म भरते, कोई भी बच्चे फॉर्म भरते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो विशेष तैयारी होती है, तो इसके लिए कितना मेहनत करती थी? बहुत ज्यादा, लगभग कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6-7 घंटा। अच्छा बाबू, ये जो फॉर्म भरे हो तो कितने दिन पहले तुम फॉर्म भरे थे? लगभग 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, और 1 महीना की तैयारी में एग्जाम कितने दिन बाद हुआ? एग्जाम हुआ वही 1.5 महीना के बाद, लगभग 1.5 महीना के बाद। आगे क्या कैसा लग रहा है कि उम्मीद की और मेहनत करें और अच्छे से अच्छे एग्जाम को? अब तो तुम्हारा एम मैट्रिक एग्जाम रह गया, मैट्रिक एग्जाम पास करोगे उसके बाद, तो मैट्रिक में क्या एम बना के चले हो कि कितना परसेंटेज यानी मार्क से तुमको पास होना? 80% प्लस। वो हम समझ गए बाबू कि देखिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो एक यदि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसका मनोबल कितना ऊंचा होता है। और यह इस बच्चे से सवाल किया गया क्योंकि अगला पड़ाव इसका मैट्रिक एग्जाम ही है और यह बच्चा कह रहा है कि 80 प्लस, और बता रहा है कि 80+ परसेंटेज यानी 80% से मैं मैट्रिक पास करना चाहूंगा और ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा। और यहाँ का देख ले कि ये स्कूल कैंपस है, अभी प्रोग्राम चल रहा था, इसके वजह से बच्चे थोड़ा सा अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, यही इसी प्रांगण में चल रहा था और इसी प्रकार से इस स्कूल परिवार की उन्नति हो, तरक्की हो। बने रहे स्वजन समाचार के साथ, नमस्कार।